हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन चौका हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएंगी। साथ ही साथ मैं रायता और चटनी की रेसिपी भी दूंगी और एक स्पेशल तड़का भी दूंगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है गेहूँ का आटा, उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ अजवाइन। मैंने लगभग आधी चम्मच अजवाइन डाली है और आधा चम्मच ही मैंने ज़ीरा डाला है। 3 से 4 चुटकी मैं हींग का यूज़ करूँगी दोस्तों, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं ले रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मैंने आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है। इसके बाद मैंने डाला है सादा सफ़ेद नमक। फ्रेंड्स, मैंने आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है। अब मैं ले रही हूँ उबला हुआ आलू। आलू को आटा में डालने से कचौड़ियाँ बहुत खस्ता बनती हैं। फ्रेंड्स, मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ, आप उसी स्टेप से इस कचौड़ी को बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। 1 कप आटे में मैंने 1.5 आलू को डाला है। इसके बाद मैं ले रही हूँ बथुआ। बथुआ को डालने से कचौड़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और सर्दियों का मौसम में, इस मौसम में तो बथुआ की कचौड़ियाँ हो, किसी भी और भी हरी सब्ज़ी कचौड़ियाँ हो, बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने बथुआ को अच्छे ढंग से धो लिया, साफ़ कर लिया, उसे मैंने उबाल लिया, फिर मैंने इसे सिल में पीस लिया। अब मैं इसे आटा में डाल करके मार लेती हूँ। मैंने आटा का डो लगा लिया है, ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त। थोड़ा सा ऑयल लगा करके मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख दूँगी, जिससे कि आटा सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, घर में बच्चे होते हैं, हरी सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हरी सब्ज़ियाँ जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों को तो खिलाना ही चाहिए, बड़े तो खाते ही हैं। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, आप इस ढंग से आटा में इसे मिला करके खिलाइए, सभी खा लेंगे और सबको पसंद भी आएगी। तो फ्रेंड्स, आटा 10 मिनट के लिए सेट हो गया। मैंने उसे हटा लिया और चकले पर मैंने रखा। अब मैं उसकी लोइयाँ निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं निकालनी है, जिस साइज़ में आपको पूड़ी बेलनी है उसी साइज़ की आप लोइयाँ बना लीजिए। अब मैंने ले लिया है सूखा आटा, उसे मैं बर्तन के रूप में लगा लेती हूँ। बेलन से मैं उसे गोल बेल लूँगी, जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूड़ी बेल करके तैयार है। चलिए हम दूसरी पूड़ी भी आपको बेल करके दिखाते हैं कैसे बेलनी है। चकले पे आटा लगाइए या लोई में आटा लगाइए, इस तरह से धीमे धीमे करके गोल बेलन को घुमाते हुए बेल लीजिए। पूड़ियाँ आपकी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। जो लोग बिगनर्स हैं, इस ढंग से आप कचौड़ियाँ बनाइए या पूड़ी बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी, आपको काफ़ी आसानी होगी बनाने में। देखिए, तेल भी गर्म करने के लिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था। अब मैं थोड़ा सा आटा डाल करके देख लेती हूँ, तेल अच्छा गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, अच्छे गर्म तेल में ही आपको पूड़ियों को डालना है। तो देखिए, मैंने एक पूड़ी को डाला और कलछी से बिल्कुल भी ज़्यादा टच नहीं करना है, अपने आप ही पूड़ी फूल गई। ये देखिए, सभी पूड़ियाँ बिल्कुल इसी ढंग से फूलेंगी। मैं अभी आपको दूसरी पूड़ी भी डाल करके दिखाती हूँ कि वो भी कैसे फूलेगी, ये देखिएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, कढ़ाई में आप जब भी कई सारी पूड़ियाँ डालें तो पहली पूड़ी डालने के बाद एक साइड जब वो तल जाए, पक जाए, हल्की सी फूल जाए, तभी आप दूसरी पूड़ी को डालें। क्योंकि अगर जगह कम होगी या आप एक साथ डाल लेंगी, आपको अगर उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी तो पूड़ियाँ या कचौड़ियाँ आपकी फूलेंगी नहीं, बल्कि पिचकी रह जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी दिखने में। मेरी प्रैक्टिस में है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल करके उन्हें तल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए एक एक करके मैंने सभी पूड़ियों को तल लिया है। अभी मैंने 3 कचौड़ियाँ डाल करके एक साथ तली हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा कचौड़ियाँ भी डाल करके दिखाऊँगी कि वो कैसे तलनी हैं। फ्रेंड्स, एक साथ जब मैंने कचौड़ियों को डाला तो ये देखिए, इतनी बैलून जैसी ये हो गई कि पलट ही नहीं रही थी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पूड़ियों को बेलना बताया है, आप उसी ढंग से बेलिए, बिल्कुल गोल और खस्ता पूड़ियाँ आपकी बनेंगी, बहुत टेस्टी भी बनेंगी। इन कचौड़ियों को मैंने थोड़ा खस्ता करने के लिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है, लेकिन अगर आप गोल्डन ब्राउन ना करना चाहें तो ऐसे ही आप कम सेक करके भी इसे खा सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दोस्तों, सभी पूड़ियाँ तल करके तैयार हैं। चलिए अब मैं आपको रायता की रेसिपी भी दे देती हूँ। आधी कटोरी दही में मैंने 1/4 चम्मच काला नमक, 2 से 3 चुटकी हींग, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक और आधा चम्मच मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। फ्रेंड्स, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अब मैंने लिया है बथुआ, जो मैंने उबाल करके रखा था, जो हमने अभी पूड़ी के लिए यूज़ किया है। बस इन सभी चीज़ों को दही में मिला दीजिए। चलिए अब एक तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने तेल लिया है गर्म करके, मैंने उसमें 2 चुटकी हींग डाली है और 1 चम्मच जीरा डाला है। फ्रेंड्स, अच्छे ढंग से ज़ीरा जब क्रैकल हो जाए, थोड़ा सा तेल को ठंडा कर लीजिए। अब हम इसे रायता में डाल देते हैं। फटाफट से ये हमारा बथुए का रायता तैयार है। तो चलिए दोस्तों, चटनी की भी क्विक रेसिपी देख लेते हैं। मैंने लिया है आधी हरी मिर्च। इसके बाद मैं 2 टमाटर को बारीक काट करके डाल रही हूँ।
फ्रेंड्स इसके बाद मैंने 4 से 5 कलियां लहसुन की ली हैं, थोड़ा सा जीरा लिया है लगभग 1/4 चम्मच के करीब, 2 से 3 चुटकी मैं हींग डाल रही हूँ। अब मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है लगभग 1/2 चम्मच। इसके बाद मैं 1/2 चम्मच काला नमक, स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक और थोड़ा सा धनिया। फ्रेंड्स इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच दही का यूज़ किया है। मिक्सी में मैंने इसे पीस लिया, चटनी बन करके तैयार है। तो दोस्तों देखा आपने, फटाफट से 3 रेसिपी एक ही वीडियो में बन करके तैयार हैं। दोस्तों ये कचौड़ियाँ काफ़ी जल्दी बन गईं। अगर आपको भरने में टेंशन होती है, काफ़ी लोगों को इस बात की परेशानी आती है कि कचौड़ी भर करके हम कैसे बनाएं, अगर कम टाइम में ऐसे आप कचौड़ियाँ बनाइए या मसालेदार बथुआ की पूड़ियाँ बनाइए, बहुत टेस्टी बनेंगी। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा और हाँ ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करें। मिलती हूँ नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।